नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक हैं। वो टीम के लिए तीनों विभाग में प्रदर्शन करते हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ वो टीम के लिए गेंदबाजी में भी योगदान देते हैं और फील्डिंग भी इस खिलाड़ी की लाजवाब है। इन्होंने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस को कई मैच जिताए हैं। 23 सितंबर बुधवार को मुंबई इंडियंस का मैच कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से हुआ। इस मैच में हार्दिक पांड्या हिट विकेट आउट हुए हैं। दरअसल आंद्रे रसल की एक गेंद पर वे क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर बैकफुट से शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस चक्कर में वे क्रीज के काफी अंदर घुस गए और उनका बल्ला स्टंप में जा लगा और वे हिट विकेट आउट हो गए थे। आप इन तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि कैसे क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करने के चक्कर में हार्दिक पांड्या हिट विकेट आउट हो गए हैं। इसके साथ ही पांड्या IPL में हिट विकेट आउट होने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए। हिट विकेट आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या हैरान रह गए। वहीं गेंदबाजी कर रहे आंद्रे रसल भी उनके इस तरह से आउट होने को लेकर हैरान रह गए। हार्दिक पांड्या ने इस मैच में मुंबई इंडियंस के लिए 13 गेंदों पर 18 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 1 छक्का लगाया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब IPL में कोई खिलाड़ी हिट विकेट आउट हुआ है। हार्दिक पांड्या से पहले भी 10 खिलाड़ी इसी तरह आउट हो चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज रियान पराग भी हिट विकेट आउट हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि तब भी गेंदबाज आंद्रे रसल ही थे। इसके अलावा 2017 के IPL सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले के दौरान शेल्डन जैक्सन भी इसी तरह अपना विकेट गवा बैठे थे। इस लिस्ट में कई बड़े दिग्गज नाम भी हैं जो हिट विकेट आउट हो चुके हैं। युवराज सिंह, डेविड वार्नर, रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी भी इसी तरह से अपना विकेट गवा चुके हैं। युवराज सिंह ने 2016 के IPL सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ अपने 100वें IPL मैच में अपना बैट स्टंप पर लगा दिया था। अन्य खिलाड़ियों की अगर बात करें जो हिट विकेट IPL में आउट हो चुके हैं तो उनमें सौरभ तिवारी, स्वप्निल असनोदकर और मुसाविर खोटे का नाम प्रमुख है। इसके अलावा दीपक हुड्डा भी इस लिस्ट में है। आपको बता दें कि IPL 2020 के 5वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से हरा दिया। पहले खेलते हुए मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट पर 195 रन बनाए, जवाब में कोलकाता की टीम 146 रन ही बना सकी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस साल के IPL को कौन जीतेगा, इस पर कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।